नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गर्भावस्था के दौरान पानी पीना तो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम सब लोगों को मालूम है। और कितना पानी पीना चाहिए वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कम से कम 8 से लेकर 10 गिलास पानी आपको रोज पीना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आपके शरीर में से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, आपकी बॉडी अच्छी तरीके से हाइड्रेट रहती है। और दोस्तों ये 8 से लेकर 10 गिलास पानी जब हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको इतने पानी के गिलास ही पीने हैं। आप पानी का किसी भी माध्यम में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक नारियल पानी के रूप में भी हो सकता है, नींबू पानी के रूप में भी हो सकता है, जलजीरा के रूप में हो सकता है, या फिर छाछ यानी कि बटर मिल्क के फॉर्म में भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से आपको अच्छी मात्रा में पानी का स्तर अपने शरीर के अंदर बनाए रखना है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जलजीरे के विषय में कि जलजीरा पीना आपके लिए कैसा रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान, कब आपको जलजीरा पीना है, कब आपको जलजीरा नहीं पीना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सब कुछ जलजीरा के बारे में। दोस्तों जब जलजीरा बनाते हैं तो उसमें मुख्यतः कुछ खास तौर पे इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि हो गया जल यानी कि पानी, जीरा, काला नमक, पुदीना और नींबू। दोस्तों ये सारे के सारे बेसिक जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होते हैं आपके लिए, आपके पेट के लिए और आपके शरीर के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए। तो बहुत ही अच्छी चीज है, आपको प्रतिदिन जलजीरा का सेवन करना चाहिए। अगर आप अपने आप घर में बना सके तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों बाहर का जलजीरा बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि बाहर के जलजीरे में दोस्तों आपको ये नहीं मालूम है कि उसने जल यानी कि पानी कौन सा इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है वो चाहे कितना भी अच्छा यूज किया हुआ हो, लेकिन अगर बाहर वो जलजीरा रखा हुआ है तो वो प्रदूषित हो ही जाएगा। तो बाहर का जलजीरा ना पिए, घर का ही बना हुआ जलजीरा पिए। अब दोस्तों इसके अंदर नींबू होता है, नींबू के लिए भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि नींबू के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब दोस्तों विटामिन सी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक कब है? अगर आपका प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा, तीसरा महीना अगर लगा हुआ है, यानी कि आप अपने प्रथम चरण में है, प्रथम ट्राइमेस्टर में है, तो आपको जलजीरे का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें होता है नींबू। और नींबू से दोस्तों क्या होता है कि विटामिन सी आपके शरीर में अगर ज्यादा हो जाएगा तो गर्भपात के भी चांसेस हो जाते हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर में जलजीरा या फिर नींबू पानी को आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी चौथे महीने से आप जलजीरा पीजिए, नींबू निचोड़ की पीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। फिर दोस्तों इसके अंदर होता है जीरा, वो भी हमारी पाचन प्रणाली के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता है। भारतीय खाने में तो हम जो भी चीज बनाते हैं सबसे पहले तेल में जीरा ही डालते हैं, और उसका मुख्य कारण होता है ताकि हाजमा आपका सही रहे, खाने को आप आसानी से पचा सकें। तो जलजीरा में भी जीरा है और इससे आपके जो पेट से संबंधित अगर कोई विकार भी है वो भी सही होते हैं, आपका पाचन भी दुरुस्त होता है, कब्ज की अगर समस्या है तो उसमें भी आपको राहत मिलती है। गर्भावस्था के दौरान दोस्तों उल्टी आना एक बहुत ही आम समस्या है, पहले ट्राइमेस्टर में ये ज्यादातर देखने को मिलती है, उल्टी आना, जी मचलाना। तो ऐसे समय पे भी आपको जलजीरा बहुत फायदेमंद है, लेकिन दोस्तों फिर याद दिला दूं कि अगर आप जलजीरा ऐसे मौके पे पी रहे हैं तो उसमें नींबू बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। लेकिन अगर आपको ये उल्टी मित्ती जैसी समस्या चौथे महीने से ऊपर हो रही है तो आप नींबू डाल के जलजीरे का सेवन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपके शरीर में बहुत गैस बन रही है तो भी जलजीरा का सेवन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों जलजीरा आपकी भूख को शांत करने का भी बहुत बड़ा काम करती है। तो अगर आपका वजन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं तो आपको जलजीरा अवश्य पीना चाहिए। इससे आपकी भूख शांत होती है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पेट भरा हुआ है और आप कम खाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जलजीरा पीजिए, भूख कम लगेगी और आप कम खाना खाएंगे, जिससे कि आपका जो वजन है वो नियंत्रित रहेगा। तो दोस्तों ये सब फायदे हैं जलजीरा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।